प्यारे बच्चों, तारे एवं सौर परिवार विषय के दो वीडियो हम पहले देख चुके हैं। इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, तारों के इस संसार में तारों के ऐसे समूह को जिसमें असंख्य तारे हों उसको एक गैलेक्सी, मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। प्यारे बच्चों, सूर्य भी एक बहुत विशाल तारा है। यह हमारे ग्रह पृथ्वी की समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। पृथ्वी की तरह से ही सारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, सौर मंडल यानी सूर्य, सूर्य के चारों ओर कुछ खगोलीय पिंड उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परिक्रमा करते रहते हैं। यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। इस सौर मंडल के अंदर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि अनेक सदस्य होते हैं। पृथ्वी भी हमारा इसी सौर परिवार का यानी इसी सौर मंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी के अतिरिक्त 7 और ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका क्रमशः नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। इस प्रकार हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्यारे बच्चों, 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 मानी गई थी, लेकिन खगोलविदों ने ग्रह की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया, दोबारा से व्याख्यायित किया, जिसके कारण जो पहले 9वां ग्रह प्लूटो माना जाता था वो ग्रहों की श्रेणी से अलग हो गया। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आकाश में कुछ बड़े ग्रहों को या पृथ्वी के निकटतम ग्रहों को हम हमारी नंगी आंखों से देख सकते हैं। कुछ ग्रह रात के समय देखे जा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये टिमटिमाते नहीं है। तारों की तरह इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये अपने अपने निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हमारे लिए एक चिंतनीय प्रश्न हो सकता है, यदि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ये टकराते क्यों नहीं? प्यारे बच्चों, आप इसको सहजता से समझने के लिए खेल के मैदान में 8-9 सकेंद्रीय वृत्त अलग अलग त्रिज्या के खींचिए, जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। कोई 1 मीटर, कोई 1.8 मीटर, कोई 2 मीटर, कोई 4 मीटर हो, कोई केंद्र उनका एक है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी परिधि त्रिज्या अलग अलग होने के कारण परिधि अलग है, जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। आप अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्र को कह सकते हैं कि वो उस परिधि पर वाम वृत्त परिक्रमा करें, तो इस प्रकार से वो ग्रहों के रूपक के रूप में उस पथ पर चलते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे। यही स्थिति हमारे ग्रहों की है, वो अलग अलग परिधि के पथ पर गति करते हुए टकराते नहीं। प्यारे बच्चों, आप इस क्रियाकलाप में देखेंगे कि सबसे सूर्य के निकटतम जो ग्रह है उसकी परिधि छोटी है। छोटी होने के कारण वह कम समय में सूर्य का एक चक्र पूरा कर सकता है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी ग्रह की बढ़ती जाती है, उसका अपनी परिधि पर चक्र पूरा करने का समय, परिक्रमण काल बढ़ता जाता है, और किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य का एक चक्र पूरा करने को उस ग्रह का एक वर्ष माना जाता है।
हमारी पृथ्वी भी अपने पथ पर चलती हुई सूर्य का एक परिक्रमण 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। तो यह हमारी पृथ्वी का एक मानक वर्ष है। यह सभी ग्रहों के लिए अलग अलग पथ होने के कारण भिन्न भिन्न होता है। प्यारे बच्चों, ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा करने का एक और विशेष गुण है, वो न केवल सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपितु अपने अक्ष के ऊपर भी निरंतर घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह के अंदर, प्रत्येक इस प्रकार के खगोलीय पिंड के अंदर दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहली गति वह जिससे वह अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूर्णन करता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण उस ग्रह पर दिन और रात बनते हैं। और दूसरी गति वह जिससे वह सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है। तो अपने अक्ष पर घूमने वाली गति को घूर्णन गति कहा जाता है और सूर्य का चक्कर लगाने वाली गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। और इसी प्रकार से इस अवधि को घूर्णन काल और परिक्रमण काल की संज्ञा दी जाती है। इसको समझने के लिए आप किसी गाड़ी का, किसी साइकिल का, किसी मोटरसाइकिल के पहिए का अवलोकन भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि वह पहिया अपने अक्ष के चारों ओर घूमते घूमते, अपने अक्ष के चारों ओर तो गति करता ही है, साथ साथ वह रेखीय गति भी करता है। इसी प्रकार से हमारे ग्रह परिक्रमण और घूर्णन करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जो हमारे ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि मानव ने कृत्रिम उपग्रह बना करके पृथ्वी के चारों ओर ऐसे उपग्रहों को स्थापित किया है जिससे वह उनकी तकनीक से अनेकों लाभ प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार से मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। आर्यभट्ट, इनसेट 1, इनसेट 2 इसी प्रकार के कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सौर परिवार का सूर्य के निकट सबसे पहला सदस्य बुध ग्रह है। प्यारे बच्चों, यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम होने के कारण इसकी परिधि भी छोटी है। और यहाँ पर सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ का तापमान भी बहुत अधिक है। सूर्य के बहुत निकट होने के कारण ही यह उसकी चकाचौंध में छिपा रहता है, इसलिए इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। हम सुबह सूर्यास्त से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद केवल कुछ क्षणों तक ही क्षितिज, यानी जहां पर सूर्य अस्त होता है या निकलता है, जहां पर धरती और आसमान के मिलने की प्रतीति होती है, आभास होता है, उधर एक चमकीला तारा केवल कुछ समय के लिए दिखाई देता है, वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के बाद दूसरा जो हमारा सौर परिवार का सदस्य है वह है शुक्र ग्रह। प्यारे बच्चों, शुक्र ग्रह हमारा ग्रहों की कक्षा में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, यानी हमारे बहुत समीप है, और यह सूर्य की तरफ, पृथ्वी से सूर्य की तरफ स्थित है, और सूर्य की तरफ स्थित होने के कारण इसका तापमान भी पृथ्वी से अधिक है। और यह भी बुध ग्रह की तरह ही सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय देखा जा सकता है।
प्यारे बच्चों, सूर्योदय से कुछ समय पहले पूर्व दिशा में दिखाई देने वाले तारे को, जिसको हम हमारी आम बोली में भोर का तारा कहते हैं, वह शुक्र ग्रह ही है। बुध ग्रह की तरह से ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह की एक और विशेषता है प्यारे बच्चों, इसकी घूर्णन गति कुछ विशेष है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, तभी हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। हमारा सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। शुक्र ग्रह की गति इसके बिल्कुल विपरीत है। शुक्र ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर करता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर अगर हम जाएं तो वहां पर हमें सूर्य निकलता हुआ पश्चिम दिशा से दिखाई देगा और वहां सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होगा। यह शुक्र ग्रह का एक बहुत रोचक तथ्य है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है, शुक्र ग्रह भी इसी प्रकार से पृथ्वी से देखने पर अपनी कलाएं दिखाता है। आप कभी शाम के समय में आकाश की ओर निहार कर शुक्र ग्रह की कलाओं को देखने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, सौर मंडल का तीसरा सदस्य हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी इस सौर मंडल का सबसे जीवंत ग्रह है। इस ग्रह के ऊपर ही जीवन संभव है। इसका तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है। सूर्य से तीसरे स्थान पर होने के कारण यहाँ पर तापमान जीवन के अनुकूल है, न तो अधिक ठंडा न अधिक गर्म। पृथ्वी ग्रह की सौर मंडल में विशिष्ट उपस्थिति, सही स्थान पर सही तापमान, सही परिस्थितियाँ, जल की उपस्थिति, ओजोन गैस, वायुमंडल की उपस्थिति, ऐसे कुछ संघटक हैं जिसके कारण यहाँ जीवन संभव हो पाया है। प्यारे बच्चों, अब तक ज्ञात ग्रह उपग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व मिला है। हमारा भी दायित्व है पर्यावरण, जो हमारे लिए जीवन में इतना सहयोगी है, हम प्रत्येक स्थिति में उसके संरक्षण का प्रयत्न करें। पृथ्वी ग्रह की एक और विशेषता है, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी ग्रह का अवलोकन करें तो यहाँ जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यह नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और एक पृथ्वी के घूर्णन के बारे में एक और विशेष बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत या क्षैतिज घूर्णन न करके वह अपने अक्ष से कुछ झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यही ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तथ्य है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी अपने सूर्य की परिक्रमा लगभग एक साल में पूरा करती है, यानी अगर आपकी आयु 13 वर्ष है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपने धरती के ऊपर रहते हुए सूर्य की 13 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है और हम इसे सहजता से छत पर चढ़ करके देख सकते हैं। यह पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के पश्चात सौर मंडल का अगला ग्रह मंगल है। यह देखने में लाल प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर हानिकारक गैसों के गुबार और बादल छाए हुए हैं। प्यारे बच्चों, मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब तक हमने जिन ग्रहों की चर्चा की, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चार ग्रह, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, यानी पृथ्वी के आसपास के ग्रह। इन ग्रहों का
घनत्व कुछ अधिक है, ये सूर्य के समीप हैं। इन ग्रहों का तापमान भी शेष बचे ग्रहों से अधिक है। प्यारे बच्चों, इसके बाद सौर परिवार का जिस ग्रह का नंबर आता है वह है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर। पार्थिव ग्रहों में सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध था और इसके बाद के यानी पांचवें नंबर पर सौर परिवार का जो सदस्य है वह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। वह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक है। यह अपने अक्ष पर भी बहुत तेजी से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। बहुत बड़ा होने के कारण आप आकाश में इसको सहजता से देख सकते हैं और दूरबीन का प्रयोग करें तो आप इसके चार बड़े उपग्रहों को भी देख पाएंगे। इसके चारों ओर कुछ धुंधले वलय यानी घेरे भी हैं। प्यारे बच्चों, सौर परिवार में इसके बाद अगला एक बहुत ही सुंदर ग्रह जिसे शनि ग्रह कहा जाता है वह इस परिवार का सदस्य है। यह रंग में पीला प्रतीत होता है। इसके चारों ओर सुंदर वलय घेरे छल्ले दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, शनि के वलय यानी घेरों को हम बिना किसी उपकरण के नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम एक छोटी दूरबीन का भी प्रयोग करें तो इन्हें सहजता से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, शनि के बारे में एक और विशेष बात है, इसका घनत्व सभी ग्रहों में न्यूनतम है। इसका घनत्व इतना कम है अगर इसे किसी बड़ी झील में डुबाने का प्रयत्न किया जाए तो वह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, यानी इसका घनत्व जल से भी कम है। शनि ग्रह के बाद यूरेनस और नेपच्यून सौर परिवार के दो दूर के सदस्य हैं। ये हमारे सौर मंडल के बाह्यतम सदस्य हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण हम इन्हें बिना दूरबीन की सहायता के नहीं देख सकते। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी एक और बड़ी विशेषता है, इसका घूर्णन अक्ष बहुत अधिक झुका हुआ है और बहुत अधिक झुका होने के कारण यह अपने परिक्रमण पथ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, एक और तथ्य हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पृथ्वी के परिवार के आरंभिक चार सदस्य हैं जो सूर्य के निकट हैं उनके चंद्रमा उनके प्राकृतिक उपग्रह संख्या में बहुत कम हैं। जो बृहस्पति के बाद के बृहस्पति के परिवार के बाह्य ग्रह हैं उनके उपग्रह बहुत अधिक होते हैं। सौर परिवार में ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त भी और बहुत से सदस्य हैं। प्यारे बच्चों, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल में बहुत से खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये छोटे होने के कारण ये ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण हमें दूरबीन के बिना नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। प्यारे बच्चों, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। धूमकेतु यानी पुच्छल तारे ये अत्यंत परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले शीर्ष और लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है उसकी पूंछ का आकार या लंबाई बढ़ती जाती है। धूमकेतु की एक और विशेषता है, इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में होती है। प्यारे बच्चों, ऐसे अनेक धूमकेतु हैं जो समय समय पर पृथ्वी के आकाश से देखे जा सकते हैं। हेलेका एक इसी प्रकार का धूमकेतु है।
जो लगभग 76 वर्ष बाद पृथ्वी से देखा जा सकता है। पिछली बार यह 1986 में देखा गया था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली बार यह कब देखा जाएगा। प्यारे बच्चों, धूमकेतुओं के बारे में एक मान्यता है कि यह अपशकुन होते हैं, यानी पृथ्वी के लिए बहुत तबाही लेकर के आते हैं। यह सिर्फ एक मिथक है, अंधविश्वास है। यह सामान्य खगोलीय पिंडों की तरह से हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं और नियमित अंतराल पर आते रहते हैं। इन धारणाओं का हमें खंडन करना चाहिए। सौर परिवार के इन सदस्यों के अतिरिक्त कुछ और भी छोटे हमारे सौर परिवार के सदस्य होते हैं। प्यारे बच्चों, उल्का और उल्का पिंड इसी प्रकार के हमारे छोटे सौर परिवार के सदस्य हैं। प्यारे बच्चों, किसी अंधियारी रात में तारों भरे आसमान को काफ़ी देर तक निहारिए, वहाँ आपको कई बार चमकीली धारियाँ सी दिखाई देंगी, जिन्हें आम भाषा में लोक मान्यता के अनुसार टूटता हुआ तारा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में वह छोटे छोटे हमारे खगोलीय पिंडों के टुकड़े होते हैं जो किसी कारण से पृथ्वी के वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण की परिधि में आ जाते हैं। पृथ्वी की ओर खिंचाव होने के कारण, वायुमंडल के घर्षण के कारण उनका दहन हो जाता है और वो एक चमकीली रेखा के रूप में हमें दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्यतः इस प्रकार की उल्काएं, टूटते तारे पृथ्वी तक पहुंचने की उनकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इस प्रकार की उल्का का कुछ अवशेष, कुछ अंश पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ये उल्का पिंड हमारे ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों के टुकड़े होते हैं। उनसे हमें जीवन के अस्तित्व, दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सामग्री मिलती है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी जब अपने परिक्रमण पथ पर गति करते हुए किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उस समय पर बहुत सी ऐसी उल्काएं उसके वायुमंडल में गुजरती हैं, उसे उल्का वृष्टि कहा जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है तारे एवं सौर परिवार के इन समस्त सदस्यों की जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनसे संबंधित लेखों को अपने शिक्षक से इस प्रकार के विषय की चर्चा करते हुए, अपने अभिभावकों से इस विषय पर बात करके और भी रोचक जानकारियां इकट्ठी करें और अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से चर्चा करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक बाय।